This morning we had quite a large crowd that had gathered, and we were looking forward to walking on the Bharat Jodo Yatra, but unfortunately the police arrangement completely collapsed, and the police people who were supposed to manage the crowd and hold the rope were nowhere to be seen. So my security people were very uncomfortable with me walking further on the yatra. So we had to cancel my walk. The other yatris, of course, did the walk. I think it's important that the police manages the crowd so that we can do the yatra. It's very difficult for me to go against what my security people are recommending. So that's basically what I wanted to say. I'll repeat it in Hindi as well. Aaj kafi bada reception yatra ke shuruaat mein hua, tunnel ke baad. Tunnel ke baad jo police arrangement tha, wo bilkul collapse kar gaya. Aur jo police wale crowd ko control karte hain, rassiyon ko manage karte hain, wo या चले गए या दिखे नहीं. तो हमारे मेरी जो सिक्योरिटी डिटेल थी, उन्होंने हमें कहा कि हमें आगे नहीं चलना चाहिए, इसलिए हम नहीं चल पाए. एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि जो क्राउड कंट्रोल होता है, पुलिस का जो रोल होता है, उसको गारंटी करें. मुझे मालूम नहीं क्यों हुआ, बट कल और परसों ऐसा नहीं होना चाहिए. थैंक यू. शुक्रिया राहुल जी, शुक्रिया. आई थिंक हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कब है? नहीं, मेरा वाला परसों है, तो फिर आपके जो सवाल हैं हम परसों जवाब देंगे उनके. थैंक यू. आगे आगे कल, अरे यार देखो, मैंने कहा करेंगे, जारी रहेगी, जारी रहेगी. साथियों, जैसा कि अभी राहुल जी बोलकर गए हैं, आज उनको करीब 16 किलोमीटर चलना था बनिहाल से यहाँ अनंतनाग तक, पर मुश्किल से वो 4 किलोमीटर चल पाए. पर भारत यात्री, 200 भारत यात्री सभी ने आज 16 किलोमीटर पूरा किया. जो हुआ आज बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं आपसे गुजारिश करूंगा, प्लीज थोड़ा चुप हो जाएं. आई कैन नॉट कंटिन्यू इफ देर आर मल्टीपल कॉन्वर्जेशंस. सुन लीजिए भैया, आप लोग एक बार सुन लें प्लीज, शांत हो जाएं. सभी भारत यात्रियों ने पूरा 16 किलोमीटर पूरा किया. आज जो हुआ दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था. अभी अभी राहुल जी की सिक्योरिटी टीम और प्रशासन के बीच में बातचीत चल रही है, ताकि कल ये दोहराया नहीं जाएगा, और परसों भी जो यात्रा है उसमें भी ये परेशानी, हमें इसकी सामना करना नहीं पड़ेगी. हम आज कल और परसों कश्मीर में हैं. 29 को 3 बजे राहुल जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस है श्रीनगर में, और 30 तारीख को हमारे पीसीसी ऑफिस जो लाल चौक में है वहाँ तिरंगा फहराएंगे, और 11:30 बजे स्टेडियम में जो 13 पार्टी को निमंत्रण दिया गया है, विपक्ष की पार्टियों को निमंत्रण दिया गया है, लाइक माइंडेड पार्टीज, उनके नेता या नुमाइंदे वहाँ मौजूद होंगे, और करीब 1.5 घंटे के लिए वो समारोह होगा. ये अंतिम समारोह होगा इस भारत जोड़ो यात्रा का. इसके साथ साथ कल 26 जनवरी को
कांग्रेस पार्टी संगठन की ओर से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत हुई है सभी राज्यों में, और इस अभियान के माध्यम से राहुल जी का संदेशा, एक पन्ने का संदेशा भारत जोड़ो यात्रा के बारे में और एक पेज का चार्जशीट मोदी सरकार के विफलताओं के खिलाफ, वो हमारे कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और घर घर पहुंचाएंगे। ये अभियान कल शुरू हुआ है, 26 मार्च तक चलेगा, पर कुछ ऐसे राज्य हैं जो चुनाव हो रहे हैं वहाँ फरवरी के महीने में, तो हो सकता है कि 3-4 हफ्ते और लगेंगे, पर कुछ भी हो 26 अप्रैल तक सभी राज्यों में हमारे कार्यकर्ताओं की ओर से राहुल जी का संदेशा भारत जोड़ो यात्रा के बारे में और जो चार्जशीट है मोदी सरकार की विफलताओं के बारे में वो घर घर तक पहुंचाया जाएगा। ये मैं समझता हूं हमारे संगठन के इतिहास में इतना बड़ा आउटरीच कार्यक्रम, संपर्क कार्यक्रम नहीं चलाया गया है, और ये इसलिए जरूरी पड़ी ताकि हम सभी को भारत जोड़ो यात्रा का संदेशा पहुंचा सकें, क्योंकि ये पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है कश्मीर में। मैं कहना चाहता हूं कि जम्मू और कश्मीर में कई राजनीतिक मसले हैं, कई राजनीतिक मुद्दे हैं, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा विचारधारा को लेकर जो आज हमारे लोकतंत्र के सामने, समाज के सामने, देश के सामने खतरे हैं मोदी सरकार की नीयत और मोदी सरकार की नीतियों के कारण, उसको जनता के बीच पे ले जाने के लिए, हमारे समाज को उजागर करने के लिए निकाला गया है। और मोटे तौर से 3 ऐसे मुद्दे हैं जिससे कांग्रेस पार्टी समझती है और सोचती है और प्रचार करती है कि हमारे समाज और लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा हुआ है। एक तो हमारे समाज में आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं हमारे आर्थिक नीतियों के कारण, महंगाई, बेरोजगारी, आप सब देख रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, एक ही उद्योगपति, एक ही पूंजीपति के साथ सारे के सारे उद्योग उनके हाथ में सौंपे जा रहे हैं, उन्हीं को सारे पब्लिक सेक्टर कंपनियां बेची जा रही हैं। तो एक तो आर्थिक विषमताओं के कारण हमारे लोकतंत्र, हमारा लोकतंत्र खतरे में है। दूसरी बात, आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा हमेशा विभाजनकारी विचारधारा रही है, सामाजिक ध्रुवीकरण उनकी रणनीति है चुनावी फायदे के लिए, और ये सामाजिक ध्रुवीकरण धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर हमेशा किया जाता है, और सामाजिक ध्रुवीकरण का ये नतीजा है जैसा कि राहुल जी ने कहा, नफरत फैलता है, सद्भावना को चोट मिलती है और हमारा देश कमजोर हो जाता है। और तीसरा खतरा जो आज देख रहे हैं हमारे लोकतंत्र के सामने वो है राजनीतिक तानाशाही। आज हमारे देश में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, एक ही व्यक्ति को की हुकूमत है, पार्लियामेंट को नजरअंदाज किया जा रहा है, पार्लियामेंट में कोई बहस नहीं होती, हमारे जो मिसाल के तौर से जो हमारे सीमा में जो खतरे हैं चीन को लेकर, उस पर 2.5 साल हो गए पर पार्लियामेंट में उस पर कभी बहस का मौका नहीं मिला। संविधान को नजरअंदाज किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाएं कमजोर की जा रही हैं, और एक प्रयास किया जा रहा है हमारे न्यायालय को खत्म करने के लिए। रोज बयान आते रहते हैं कि न्यायालय को भी प्रधानमंत्री कार्यालय का एक अंग बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो सवाल करते हैं कांग्रेस पार्टी से, आप भारत जोड़ो यात्रा पर क्यों निकले हो, क्योंकि भारत को कोई तोड़ नहीं रहा है, हम कह रहे हैं भारत टूट रहा है, खतरे हैं, और अगर हम कार्रवाई अब नहीं करेंगे
तो हमारे लिए और भी खतरा पैदा हो जाएगा। इसीलिए आर्थिक विषमताओं के खिलाफ, सामाजिक ध्रुवीकरण के खिलाफ और राजनीतिक तानाशाही के खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं, जनता को उजागर कर रहे हैं। और आरएसएस बीजेपी की विचारधारा को सीधे विचारधारा के मैदान में हम उसका मुकाबला कर रहे हैं। चुनावी रणनीति से भारत जोड़ो यात्रा का ज्यादा कोई लेना देना नहीं है। इसका चुनाव पर क्या असर होगा जम्मू और कश्मीर में या अलग राज्यों में, 2024 में क्या असर होगा, यह सब सवाल बाद में सोचा जाएगा, उसका जवाब मिलेगा। पर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हमने इन मुद्दों पर सोचा ही नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, राहुल जी बार बार कहते हैं, कांग्रेस पार्टी बार बार कहती रही है कि हमारे समाज और हमारे देश और हमारे लोकतंत्र के सामने दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं। एक रास्ता है आरएसएस बीजेपी का, और उस रास्ते में एक व्यक्ति एक तंत्र का तोप चला रहे हैं, और दूसरा रास्ता है सद्भावना का रास्ता, कांग्रेस का रास्ता, महात्मा गांधी का रास्ता, राहुल गांधी का रास्ता, जहां लोकतंत्र की शहनाई बजाई रही है। तो एक तरफ लोकतंत्र की शहनाई बज रही है और दूसरे तरफ लोक एक तंत्र का तोप चलाया जा रहा है। यही हमारे देश के सामने दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा की पृष्ठभूमि यह है। आपके मन में कई सवाल होंगे, आर्टिकल 370 का क्या होगा, क्या गुपकार अलायंस का क्या होगा, ये सब राजनीतिक मुद्दे के लिए अलग मौके मिलेंगे। आज हम सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा की सोच रहे हैं, विचारधारा के बारे में सोच रहे हैं। और बार बार जो राहुल जी समाज के हर वर्ग से मिल रहे हैं, किसान, महिला, दलित, पूर्व सैनिक, विस्थापित लोग, सभी से मिल रहे हैं और उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी दर्द, उनकी पीड़ा, उनकी समस्याएं, ताकि वो पार्लियामेंट में जब उनको मौका मिलेगा उसको उठा सके। तो यही मुझे कहना है आज के लिए। कल का प्रोग्राम आपके पास है, कल का प्रोग्राम मैं पीसीसी अध्यक्ष से कहूँगा, आपको पूरी जानकारी दे कल के प्रोग्राम के बारे में और परसों के प्रोग्राम के भी बारे में। उसके बाद जो कोई आपके सवाल हैं उसका जवाब मैं देने के लिए तैयार हूँ। हाँ जी, कल और परसों का प्रोग्राम। थैंक यू जयराम जी। कल जो पदयात्रा कश्मीर में होगी वो चुरसू के मुकाम पे निम्बल अवंतीपुरा, जहाँ पे पेट्रोल पंप है एचपी का, वहाँ से शुरू होगी। और उसमें मुझे लगता है मैक्सिमम महिलाएं भी उसमें शरीक हो रही हैं, और महबूबा जी, महबूबा मुफ्ती जी भी उसमें आ रही हैं। तो महिलाएं उसमें शरीक हो रही हैं और उसमें हमारी महान नेता प्रियंका गांधी जी शायद उसमें शामिल हो सकती हैं। उसमें ज़्यादातर महिलाएं चलेंगी और महबूबा जी भी उसमें चलेंगी। ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम का पंप है चुरसू के मुकाम पे निम्बल अवंतीपुरा में। और उसके बाद ये बिरला जो है, बिरला इंटरनेशनल स्कूल जो है, वहाँ पे टी ब्रेक होगा। और नाइट हाल्ट जो है पंथा चौक ट्रक यार्ड में के मुकाम पे होकर वहाँ से दूसरे दिन चलेगी पदयात्रा 29th को, पंथा चौक से चलेगी और वहाँ से चलते चलते नेहरू पार्क में एंड होगा। नेहरू पार्क में एंड होने के बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और आप सबसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। एक मिनट, मैं मीर साहब से गुजारिश करूंगा, क्योंकि आज की घटना काजीगुंड में हुई उसके बारे में आपको कुछ अवगत कराए। थैंक यू जयराम जी और सारे साथी। जैसे आपने स्टार्टिंग में राहुल जी का एक गंभीर स्टेटमेंट, शायद इस पूरी पदयात्रा में आज का दिन एक अलग किस्म का पदयात्रा को देखना पड़ा।
लोगों का इतना प्यार, 5:30 बजे से लोग साउथ कश्मीर के मती गावरन से, कपरन से, दिवसर से और दूर दराज इलाकों से आकर के अपने लीडर के इस महान मिशन में शामिल होना चाहते थे और वो नेचुरल एक लोगों का था उसमें। उसके लिए जो एडवांस हमारे सिक्योरिटी अपरेट्स के साथ में जो 2-3 मीटिंग्स हुई है और बहुत अच्छी तरह से हमारे एडवांस टीम के और हमारे सिक्योरिटी के एक्सपर्ट्स ने भारत जोड़ो यात्रा के जो पीछे से चले आ रहे हैं उनने कंप्लीट प्रेजेंटेशंस दी और सारी चीजें उनको समझाया। एक मीटिंग में मैं भी था, मेरे ख्याल से उस मीटिंग के बाद में कोई चीज कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए था। उसके बाद लगातार कल भी मीटिंग्स हुई और ये बताया गया और उन्होंने भी हमें अलर्ट किया कि आपने जम्मू में की, रेस्ट ऑफ द कंट्री में की, डिफरेंट वहां का एटमॉस्फेयर है और कश्मीर आते आते हमें और भी कई चीजों का, बल्कि हमें विश्वास हुआ था शायद वो हमारे इमेजिनेशन से थोड़ा ज्यादा बेहतर करेंगे, मगर बदकिस्मती से इतना मिसमैनेजमेंट, इतना मिसमैच इनके फैसलों में दिखाई दिया। आज सुबह से ही मैं आपको एक छोटी मिसाल दूं, आप सब ने विटनेस किया वहां रोड के बीच में एक डाइस लगा था जो मैं भी एक लेमैन सोच नहीं सकता था कि रोड में कैसे डाइस लगेगा, जबकि फैसला हुआ था गुडविल स्कूल के दीवार के साथ में हमारा डाइस लगेगा, वो सिर्फ 5 मिनट के लिए। राहुल जी और उनके साथ हमारी लीडरशिप सीनियर जो कन्याकुमारी से चली आ रही थी, इनको बस 5 मिनट के लिए वहां खड़ा होना था, जस्ट टाटा कहना था और हमने एक फेरन पहनाने का प्रोग्राम था, नो भाषण नो नथिंग, ये उनको वाजे किया था और लोग काफी वहां स्पेसी जगह भी थी, उनको फैसिलिटेट करके पदयात्रा चलती और उसको मैनेज करने की बात थी। सुबह सवेरे, पहले रात को डाइस भी नहीं डालने दिया और सुबह सवेरे किसने फैसला लिया और वहां पर अलाउ नहीं किया, कहा नहीं यहां रोड में आप बीच में लगाई, और हम मजबूर थे एज ऑर्गेनाइजर, हमने वैली के पहले स्टेप पर, जयराम जी ने इसका पूरा नक्शा बताया, मैंने लगातार कई प्रेस स्टेटमेंट्स में कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का जो सुप्रिट है, जो इसका एजेंडा है, जो लेकर हम चले, वो भारत देश को तो जरूरी है ही है, भारत के लोगों को, मगर सबसे ज्यादा जरूरत उन इश्यूज को लेकर जो जम्मू कश्मीर और खासकर कश्मीर की जनता राहुल जी के साथ में जुड़ना चाहती थी, ये सबसे ज्यादा जरूरी यहां के लिए लोगों के लिए था, आवाज यहां के लोगों की उसमें थी और ये कॉमन सेंस था। मेरे ख्याल से सरकार को इनपुट भी रहा होगा, पिछले 20 दिन से वो एक एक गांव में जाकर पता कर रहे हैं कौन कौन जा रहे हैं, कौन नहीं जा रहे, कहां से कौन जा रहे, तो जब सारे इनपुट आपको है तो फिर उस तरह की फैसिलिटी वहां पर प्रदान करनी थी। मैं राहुल जी की इस गंभीर स्टेटमेंट को मतलब सरकार को बताना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में ऐसा ना हो, इसके लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज यहां पर हमको बताना पड़ा। थैंक यू। शुक्रिया मीर साहब। हाँ जी, आपके सवाल एक एक करके। हाँ मैं अमीर साहब से गुजारिश करूंगा। देखो, जो आपने सवाल बताया, एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए लोग आज के दिन में यूटी में, मेरे ख्याल से अब पूरे देश ने देखा, कल तक हम चला रहे थे, हमारे जैसे और बहुत सारे लोग चला रहे थे, समझ नहीं आता था। आज इतने बड़े नेशनल इंटरनेशनल इवेंट को सबटाज करने की कोशिश है तो ये एक अधिकारी नहीं कर सकता है। इस अधिकारी को जो कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी है, ये कहीं बड़ी लेवल पर, ऊंची लेवल पर एक सोच समझ के ऐसा वातावरण बना गया और ऐसी डायरेक्शन हो सकती है जो नीचे वालों को इंप्लीमेंट करना पड़ा। अदरवाइज उसमें जाती तौर में बहुत ऑफिसर उसको जानता हूं जिन्होंने
पिछले 15 दिन से कंटिन्यू ये कहा कि वी विल फैसिलिटेट जो भी जरूरत होगा, मगर कल शाम से लेकर सुबह तक ये सारी चीजें जो चेंज हुई और जो आज वहां मौके पर आपने देखा, तो ये तो कंप्लीटली डिजास्ट्रस था। पूरे देश से 200 भारत यात्री 5.5 महीने से चल के आ रहे, और उनके साथ चलने वाले राहुल गांधी जी और उनके बैकग्राउंड को ऑलरेडी हम कई सारे नुकसान उठा चुके हैं। इंदिरा जी का हमने नुकसान उठाया, राजीव जी का हमने नुकसान उठाया, तो हम लोग भी हैंड्स अप कर गए। यात्रा तो चलती रही, मगर पहले हमें अपना लीडर बचाना है। आई वॉज सरप्राइज, मैं ऑर्गेनाइजर था, मैं जिद भी कर सकता था, नहीं राहुल जी आइए हम आपके साथ में, मगर सिक्योरिटी रिस्क कोई नहीं ले सकता था, जान सबसे प्यारी है। तो इसलिए जो चीज आज वहां हुआ, जो तरीका हुआ, हम इसको हाईली कंडम करेंगे और अपील करेंगे आने वाले 4 दिन कश्मीर के अंदर उनको सुधारने की जरूरत है एडमिनिस्ट्रेशन को, यह हमारी अपील होगी। मैं एक चीज और कहूंगा इसके बारे में, जो राहुल जी ने भी इसका जिक्र किया, अंतिम क्षण तक राहुल जी चलना चाहते थे, अंतिम क्षण तक, पर उनको एक निर्णय लेना चाहिए था। जो निर्णय उन्होंने लिया उनके सुरक्षा सलाहकारों के आधार पर ही, जो उन्होंने कहा गया, सलाह दी गई, उसी के आधार पर उन्होंने निर्णय लिया। पर अंतिम क्षण तक वो चाहते थे कि वो जो 12-13 किलोमीटर बाकी हैं वो चले, पर सुरक्षा सलाहकारों ने कहा बिल्कुल नहीं चल सकते आप, और तभी वो गाड़ी में बैठकर निकल गए। हालांकि जो भारत यात्री हैं वो चलकर आए। अगर एक एक करके पूछे तो अच्छा होगा, एक सबको मौका मिलेगा। मुदस्सिर पर मैं पीसीसी अध्यक्ष से गुजारिश करूंगा इसका जवाब दे। मैं आपको कहूं कि एक दो जगह छोटे मोटे लैप्स हुए हैं, पर इतना बड़ा लैप्स नहीं हुआ है कहीं और। और मैं एक बात मैं कह दूं, मेरे विचार में, मैं भी वहां था, मैंने देखा जो हो रहा है, तब मैं चलने लगा, क्योंकि मैं राहुल जी के साथ चलता नहीं हूं, मैं आगे जाता हूं। मैंने जो देखा, मेरे विचार में जिस मात्रा में क्राउड मौजूद थी उसका अनुमान पहले ही लगाना चाहिए था प्रशासन को, और प्रशासन को इस बहुत ढीले ढंग से लिया। जो सुरक्षा बल होने चाहिए थे जिस मात्रा में वो नहीं थे, और इसीलिए राहुल जी को गाड़ी में आना पड़ा। ये तो ये प्रशासन से चूक है, ये प्रशासन की चूक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती। आप असल में आपने देखा होगा राजस्थान, पंजाब, इवन जम्मू में भी जो रस्सी होती है, जो डी होता है, उसमें एक 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 पुलिस वाला कंटिन्यूअसली उस रस्सी को पकड़ के हुआ होता है। तो अगर आप जम्मू कश्मीर में देखेंगे, सबसे सेंसिटिव एरिया, मिलिटेंसी हिट एरिया जो है वो साउथ कश्मीर है, यहां ज्यादा होने चाहे थे। और जब हमने, जब लोग अंदर आ गए, भीड़ में आ गए, राहुल जी पे भी पुश हुआ, धक्के लगे, मुझे भी लगे, सबको लगे, मीर साहब को लगे, सबको, जब हालात ज्यादा खराब हो गए तो हम रुक गए। और उसके बाद हमने देखा कि वजह क्या हुई, जब हमने वजह देखी तो वहां रस्सी लेके पुलिस ही नहीं थी कहीं। तो उसके बाद हम एक घंटा लगभग रुके कि कहीं से फोर्स आ जाए, ये रस्सी पकड़े, और रस्सी इसलिए पकड़े कि जो माव है, इतना ज्यादा क्राउड आया था, वो अंदर रस्सी के अंदर डी में ना जाए। तो डी में वीआईपी चले, उमर साहब भी थे, राहुल जी भी थे, और बाकी सारे लोग थे उसमें डी में जो चलने वाले होते हैं। लेकिन बदकिस्मती से 1 घंटा 1.25 घंटा इंतजार करने के बाद भी पुलिस की टीम आई ही नहीं। पूरे इंडिया में पुलिस की टीम रस्सी लेके चली, यहां बहुत कम थे, लेकिन बहुत कम थे। तो इसलिए यात्रा को फिर सस्पेंड करना पड़ा सिक्योरिटी के कारण, और यहां आना पड़ा।
तो वही राहुल जी ने यहाँ पे कहा कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से उनकी गुजारिश है कि जो आगे की यात्रा है उसको सुधारे ताकि यात्रा अंतिम लक्ष्य तक पहुंच जाए। थैंक यू सर। मेरे दो सवाल है, एक तो एमएचए की तरफ से ये आया है कि जी एमएचए की तरफ से ये आया है कि सीआरपीएफ और स्टेट पुलिस ने उचित सुरक्षा मुहैया कराई थी, कोई कोताही उसमें सुरक्षा में नहीं हुई है, ये एमएचए की तरफ से आया है। और ये सवाल का जवाब नहीं, मैं ये बॉल बाय बॉल कमेंट्री नहीं दूंगा। अभी अभी हमारे जो सुरक्षा सलाहकार है, हमारे जो महामंत्री संगठन है, वो प्रशासन के साथ बातचीत हो रही है इसी मुद्दे पर। मैं किसी ने कहां से बयान दिया मैं उसके ऊपर अपनी टिप्पणियां करते रहूंगा, तो ये बॉल बाय बॉल कमेंट्री का मामला बड़ा गंभीर मसला है ये। सर दूसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मेरे दूसरा सवाल खत्म, दूसरा सवाल सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा पे कहा है कि क्रिटिसिज्म का स्वागत है, पर कई लोग बेवजह सिर्फ क्रिटिसाइज और आलोचना करते हैं, उनको नजरअंदाज किया जाना चाहिए। विपक्ष पे यात्रा पर है निशाना। अच्छा ट्राई है, मैंने पहले ही कहा था ये मौका नहीं है आर्टिकल 370 और जो राजनीतिक मुद्दे हैं उस पर मैं कुछ कहूंगा नहीं। आपने अच्छा प्रयास किया, आपको मैं धन्यवाद देता हूं। ये सुरक्षा की ओर से एक बहुत बड़ा चूक है, ये बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। इस पर अभी बातचीत चल रही है, हमारे जनरल सेक्रेटरी संगठन और राहुल जी के जो सुरक्षा टीम है, सिक्योरिटी टीम है, प्रशासन और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ बात हो रही है। इसके बारे में मैं एक बार फिर दोहराऊंगा, ऐसे गंभीर मुद्दों पर बॉल बाय बॉल कमेंट्री देना उचित नहीं है। जो कुछ कार्रवाई करनी है प्रशासन की ओर से हमें कल दिखाई देगी। हम उम्मीद करते हैं कि कल और परसों जो घटना हुई आज वो दोहराया नहीं जाएगा। हेलो सर, अमीर साहब बताइए। जो मैंने पहले ही बताया कि जो एसओपी जारी किए गए थे उनको 100% फॉलो किया गया। एक चीज है पब्लिक का मतलब वहां पर तादाद क्या होगा ये कोई नहीं कह सकता था। मेरी कैपेसिटी 1000-2000 लोग की थी, मैनेजमेंट भी 1000-2000 की हो सकती थी, मगर जब वहां 10-15-20 हजार लोग हुए तो ये बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशन। तो ऐसा एनालिसिस, ऐसा असेसमेंट सरकार को लेकर चलना चाहिए था। हेलो सर, हमने 135 दिनों में या 136 दिनों में एसओपी का कहीं भी उल्लंघन नहीं हुआ, कहीं भी नहीं। दिल्ली में एक बड़ी सिक्योरिटी लैप्स हुई थी जब हम दिल्ली आए थे 24 दिसंबर को, पंजाब ऐसे संवेदन राज्य में एक भी सिक्योरिटी लैप्स हमें देखने को नहीं मिला, पर जम्मू और कश्मीर में अफसोस की बात है, खास तौर से कश्मीर में पहला ही दिन में एक लैप्स हमें एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि कल और परसों प्रशासन ऐसे कदम लेंगे और जो कुछ वो एसओपी हमें बताएंगे हम उसका पालन करेंगे। सर एसओपी का कभी उल्लंघन नहीं होता है। आई हैव अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दैट व्हाट कांग्रेस पार्टी एंड व्हाट कंट्री एज अ होल इज गोइंग टू गेट आउट ऑफ दिस भारत जोड़ो यात्रा एंड हाउ इट इज गोइंग टू बेनिफिट द कश्मीर जम्मू कश्मीर ओवरऑल व्हाट वी विल गेट आउट ऑफ दिस भारत जोड़ो यात्रा स्पेशली कंट्री एंड द कांग्रेस इटसेल्फ। आई विल गिव यू अ स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, वेट एंड सी। सर लास्ट क्वेश्चन दिस साइड, आपको जो वेन्यू दिया गया है कंक्लूडिंग रैली के लिए फ्रॉम दिस साइड, सर दिस साइड प्लेट प्लेट, आपको जो वेन्यू दिया गया है शेर कश्मीर स्टेडियम का, थोड़ा शांति। वीर साहब ने वहां पे भी कहा कि 1 लाख के आसपास लोग दे आर एक्सपेक्टिंग, सो डू यू थिंक दैट द सेम क्रॉस माइट बी यू नो विटनेसिंग इन दैट वेन्यू आल्सो, सो
What are you planning? Because the yatra is going to very sensitive locations now. Vikas saab jawab denge. देखिए हमारे पास अवेलेबिलिटी जो श्रीनगर में जगह की वही मिली, क्योंकि हमारे पास श्रीनगर में वही जगह है, क्योंकि पहुंचना भी यात्रा को श्रीनगर में ही था, तो जगह मिली है। हम कोशिश करेंगे कि उसको तरीके से हैंडल किया जाए। वीआईपीज को अपनी पोजीशन दी जाए, जो बाहर से लोग आए उनको अपनी पोजीशन दी जाए, आप जो प्रेस वाले लोग हैं आपके लिए भी कोई खूबसूरत जगह रखेंगे, और पब्लिक को भी एक अच्छी सी जगह देंगे, और इंशाल्लाह अच्छा प्रोग्राम होगा। और हमारे पास अवेलेबिलिटी वहां पे उतनी ज्यादा जगह भी नहीं है जिसमें हम उससे ज्यादा क्राउड मैनेज करें। थैंक यू। अनंत, अब मीर साहब इसका जवाब देते। अनंतनाग के लोग बहुत प्यार करते हैं कांग्रेस पार्टी को, और पहले से ही इंदिरा जी राजीव जी के वक्त से, और राहुल जी को उससे ज्यादा करते हैं। तो ये तो भारत जोड़ो यात्रा है, बाद में अनंतनाग भी आएंगे, अभी बनिहाल वाले लोग भी वही कह रहे हैं कि हमने देखा ही नहीं, तो वहां भी आएंगे, अनंतनाग भी आएंगे, डोरू भी आएंगे, काजीगुंड भी आएंगे। वो तो पॉलिटिकल प्रोग्राम होंगे, वो रैलीज होंगी, उनमें तो आएंगे, आगे के लिए तो आना होगा। थैंक यू। जब आए थे जम्मू में अपने, आपको याद होगा कि नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, आपने सुना होगा, देखा होगा कि उन्होंने कहा जम्मू में जो पहला कार्यक्रम था, उन्होंने कहा मेरे पूर्वज कई 150 साल पहले कश्मीर से अलाहाबाद चले गए, और मैं 150 साल बाद चल के वापस उसी जगह में आ रहा हूँ जहाँ से मेरे पूर्वज अलाहाबाद निकले थे। थैंक यू वेरी मच। आप सबको शुक्रिया कि आप बनाल से और श्रीनगर से सारे आए हैं। प्लीज जॉइन अस फॉर ए कप ऑफ टी। मीर साहब से, हाँ बोलिए बोलिए मीर साहब जवाब दे। मैंने कहा ऑलरेडी हमारा कांग्रेस परिवार कुछ नुकसान उठा चुके हैं। इंदिरा जी को हम खो चुके हैं, राजीव जी को हम खो चुके हैं, तो हमारी कोशिश है कि खुदा न खास्ता कोई और नुकसान न हो। तो इसलिए जो ये भारत जोड़ा यात्रा लेकर राहुल जी आ रहे हैं, पूरा देश दुनिया देख रहा है, और इसकी रिक्वायरमेंट क्या थी वो किसी वजह से सरकार उसको फुलफिल नहीं कर पाई। अभी भी जयराम जी अपील कर रहे हैं, आज जो हुआ उसको छानबीन हो रहा है, मगर आने वाले 3 दिन कश्मीर के अंदर हैं, उसको महफूज बनाए, लोगों को महफूज बनाए, यात्रियों को महफूज बनाए, ये हमारी अपील। चाय और स्नैक्स आप सबसे इंतजार कर रहे हैं, कल देखेंगे। जय नाथ पार्टी।